दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रोपर पर। दोस्तों, आज हमने जो रतालू के कंद के टुकड़े करके सुखा के हमने जो बोने के लिए तैयार रखे हैं, उसका आज हम बीजोपचार और उसका पूर्व अंकुरण का प्रोसेस देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसे हाइड्रोपोनिक तरीके से उगाने के लिए उसका बीजोपचार किस तरह करना चाहिए और हमें पूर्व अंकुरण किस तरह करना चाहिए, उसकी पूरी माहिती मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। पूरी माहिती पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो रतालू के कंद के टुकड़े हमने तैयार किए थे, उसको अभी 48 आवर से ज़्यादा हो गया है, वो अच्छी तरह सूख भी गए हैं। अभी हाइड्रोपोनिक में हम जब इसको उगाते हैं तो ये जो कंद है उसको बहुत हमें साफ रखना पड़ेगा, ताकि हमारा हाइड्रोपोनिक का जो सॉल्यूशन है या हाइड्रोपोनिक का मीडिया जो है कंटामिनेट ना हो। इसलिए हम इसको गोबर की पेस्ट में डुबाने के बदले हम इसको ड्राई ट्रीटमेंट देंगे और उस पर कुछ इम्पोर्टेंट फंगस और बैक्टीरिया का स्प्रे करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रे के टुकड़े हैं इसको एक बकेट में लिख लेते हैं, फिर हम इसमें से जो हमने रखिया डाली थी तो उसको हमें निकाल देना है। तो अभी हमने जो ये बीजों को बाहर रखा है, इसको अभी हम एक बकेट में ले लेंगे जिसमें से हम हो सके उतनी रखिया निकाल रहे हैं। थोड़ी बहुत रह गई तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा शेक करके हिलाएंगे और इस तरह से टुकड़े को साफ करके ले लेंगे। अभी एक बार हमें इस टुकड़े को ले लेते हैं, थोड़े हमें थोड़ा थोड़ा करके ट्रीटमेंट देना है। तो ये देखिए, हमने इसके कुछ टुकड़े ले लिए जिसे हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में लगाने वाले हैं। अभी इसका बीजोपचार करने के लिए हम तीन चीज़ों का यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा ट्राइकोडर्मा। तो हम इसमें करीब 3 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर छिटक देंगे इस तरह। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सुडोमोनास। हम सुडोमोनास को भी थोड़ा इसके ऊपर लेकर स्प्रे कर देंगे, ताकि ये हर एक टुकड़े पर गिर जाए इस तरह। और तीसरा हम यूज़ करने वाले हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा हमें मदद करेगा उसकी रूट डेवलपमेंट में। तो करीब 1 किलो टुकड़ा है और 1 किलो में हम करीब 3 से 5 ग्राम माइक्रोराइजा डाल सकते हैं इस तरह। इतना करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह हिला लेना है, ताकि ये जो हमने ट्रीटमेंट दी है हर एक टुकड़े पर चली जाए। आप चाहे तो इसके में हल्का पानी छिड़क सकते हैं। तो पानी छिड़कने से क्या होगा, ये जो फफूंदी हमने डाली है इसमें, वो इस पर अच्छी तरह चिपक के रहेगी। और इसको फिर से हम हिला लेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमने इसको भी हार्ड कर लिया है तो हमें इसको खराब होने का कोई डर नहीं है। इस तरह हमें इंश्योर करना है कि हर एक टुकड़े के ऊपर कुछ ना कुछ फफूंद लग जाए। ये देखिए, अभी हमारे टुकड़े बीजोपचारित हो गए हैं। अभी इसको हम पूर्व अंकुरण का प्रोसेस चालू करेंगे, जिसका अभी मैं आपको डिटेल आगे बताता हूँ। सो अभी हमारे रतालू के कंद के टुकड़े बिल्कुल तैयार है। हमने इसको आधे घंटे सूखने दिया थोड़ा। अभी ये बिल्कुल तैयार है, जिससे हम उसकी पूर्व अंकुरण की प्रोसेस शुरू कर पाए। अभी पूर्व अंकुरण करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ट्रे चाहिए हमें कोई, जैसे इसमें नीचे छेद है, इसे छेद वाली ट्रे चाहिए, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी बिल्कुल भरा ना रहे। दूसरा हमें चाहिए जूट का कपड़ा या बैग। तो हमने जूट का बैग एक लेकर रखा है और इसको अंदर भिगो के रखा है। ये देखिए, जूट का बैग हमने अच्छी तरह भिगो के रखा है। हम इसमें से जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल लेंगे इस तरह, ताकि ये गिरे नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बैग को, ये जो हमारी ट्रे है, इसमें बिछा देते हैं, ताकि
पूरी ट्रे कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह हमने बिछा दिया इसको। अब हमें इन टुकड़ों को इसके ऊपर फैलाना है। फैलाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ टुकड़े लेंगे, फिर इसको हमें जिस तरह हमें जमीन में इसको लगाना है, चमड़ी का भाग ऊपर है, इसी तरह इसमें हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज करते टाइम हम इसमें थोड़ा टाइम जाएगा हमारा, थोड़ी जगह रखेंगे ताकि जब इसकी नई फुटन आए तो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाए, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ जाए। तो इस तरह हमें ये सारे टुकड़े अरेंज करने हैं। तो हम इसको जल्दी जल्दी अरेंज कर लेते हैं। अभी हमें ध्यान रखना होगा कि चमड़ी का भाग हमारा ऊपर की बाजू ही रहे, ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है ताकि हमारी फुटाव अच्छी हो, ऊपर की बाजू हो, और हम जितना इसको खुला रख पाए उतना अच्छा है। सो ये देखिए हमने अभी इनको सबको अरेंज कर दिया है फटाफट। इस तरह देखिए अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा बाकी का भाग है बैग का, इसको हम इसे ढक लेंगे और कहीं छाए वाली जगह जहां धूप नहीं आती हो वहां हम इसको रख लेंगे। अभी आगे हमें इसमें मॉइस्चर मेंटेन करना है और इसको हम 3 या 4 दिन के बाद खोल के एक बार जरूर देख लेंगे कि हमारी फुटन आई कि नहीं, और उस समय आपको मैं आगे की माहिती दूंगा।